दिल्ली में किसान आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज करने व किसानों पर आंसू गैस पर वाटर कैनन का प्रयोग करने के न्यायिक जांच की मांग को लेकर हमीरपुर जिला कांग्रेस सेल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कांग्रेस किसान सेल ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए किसान कानून को किसान विरोधी करार दिया और इसे जल्द वापस लेने की मांग की। हमीरपुर में कांग्रेस जिला किसान सेल के अध्यक्ष अजय शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान सेल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार पर किसानों पर बल प्रयोग करने की न्यायिक जांच की मांग की और सरकार पर किसान विरोधी कानून लागू करने के आरोप लगाते हुए इसे जल्द वापस लेने की मांग की। किसान सेल के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि किसानों के साथ दिल्ली जाते हुए पुलिस के लाठीचार्ज की गई कार्रवाई की जिला कांग्रेस निंदा करती है और राज्यपाल से इस मुद्दे पर न्यायिक जांच बैठाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून लाकर किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया, जिसे सहन नहीं किया जाएगा और प्रदेश कांग्रेस किसानों के लिए आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। मोदी सरकार ने पिछले दिनों जो लोकसभा में एक काला कानून के कृषि कानून काला कानून पेश किया था और उसे पास कर दिया था और उसके उपरांत देश भर के किसान जो है आज अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में रोका जा रहा है। आज इतनी ठंड में जो है उनके ऊपर पानी की बछार की जा रही है, लाठियाँ चलाई जा रही हैं, ये एक अति निंदनीय कार्य है। और जिन लोगों ने भी उन किसानों के ऊपर जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान जो है खाना खा रहा है और पूरे भरपूर पेट भर रहा है, उन लोगों के ऊपर आज लाठियां बांधी जा रही हैं, पानी फेंका जा रहा है, तो मैं ये आज हम जो माननीय राज्यपाल को जिलाधीश महोदय के द्वारा एक ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला किसान कांग्रेस की, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर पानी फेंका है इतनी ठंड में, जिन लोगों ने उनके ऊपर लाठियां बांधी हैं, उन लोगों की जांच की जानी चाहिए, न्यायिक जांच की जानी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि आज अगर हमारा किसान जिंदा नहीं रहेगा तो हमारे देश का जो हम जो घर में बैठकर खाना खा रहे हैं वो उसकी कमी पड़ जाएगी। और किसानों को अगर और प्रोत्साहित ना किया जाता है तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश की किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे विशाल चंबियाल जी और हमारे पूर्व के अध्यक्ष भाई सुखविंदर सिंह सुक्की जी का आदेश है कि किसानों के हित के लिए हर बात उठाई जाए और इसके लिए जहां भी लड़ाई लड़ने पड़े हिमाचल प्रदेश की किसान कांग्रेस जो है और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ी तो हिमाचल प्रदेश के किसान जो है वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, जैसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल चंबियाल जी के आदेश आएंगे और हम वहाँ दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून लाकर किसानों के साथ अन्याय किया है और केंद्र की भाजपा सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह के बल का प्रयोग किया वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज देश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा किसानों की बदौलत है, मगर सरकार देश को पिछड़ा करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए इस तरह के आम जन विरोधी कानून ला रही है जिसका हर तरफ से विरोध हो रहा है। किसान कांग्रेस हिमाचल किसान कांग्रेस की तरफ से जो डीसी की माध्यम से जो प्रदेश राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, इसके पीछे आप जग विदित है कि पीछे सरकार ने पिछले कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में एक कानून बनाया, तीन कानून बनाए जो कांग्रेस के विरोध में थे। उसके उपलक्ष में बीच में सरकार ने किसानों की बात की लेकिन उसका हल नहीं निकला और सारे किसान आज दिल्ली के बॉर्डर में इकट्ठे हुए हैं और वो सरकार जो आज तक आंदोलन करके ही सत्ता में आई है, आज आंदोलन करना जो है उसके लिए वो देशद्रोह हो जाता है, या आतंकवादी हो जाएंगे या देशद्रोह हो जाएंगे, लेकिन देशद्रोहों का और देशभक्ति का बीड़ा इन्होंने उठाया है। आज हमारी जो जीडीपी 3-4% है ये सिर्फ किसानों की बदौलत है, देश की सर्वनाश हो चुका है। देश जो है इस सरकार के नेतृत्व में जो है वो बहुत पिछड़ गया है और आज किसान कांग्रेस जो है वो अपने नेता के आह्वान पे हम किसानों को समर्थन देते हैं और सरकार को आगाह करते हैं कि इनकी जो समस्या है जल्दी से जल्दी हल की जाए, नहीं तो अगर किसान फसल बीजना बंद कर देंगे तो लोगों को रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे। के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजी जा रही है,
कि ये काला कानून जितने जल्दी वापस हो जाए उसको किया जाए। धरती का देश होगा तो उसमें जाएंगे, हम भी किसान हैं। किसान कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के पहले वो किसान हैं, पहले किसान थे, फिर कांग्रेस बने हैं, फिर कांग्रेस के नेता बने हैं, लेकिन बेसिकली हमारा 80% जो हिंदुस्तान है वो किसान बहुला है और कृषि प्रधान देश है। और बड़े अफसोस की बात है कि जो कृषि प्रधान देश है और 80% लोग जिसके हमारी 70% अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसके लिए आज सरकार जो वो इतना व्यवहार कर रही है जो सोचने से परे है। आज जो व्यवहार किसानों के साथ हो रहा है, शायद कभी किसी दूसरे बाहर के आके अंतकाई ने भी इतना ज़्यादा इसके ऊपर जुल्म नहीं किए होंगे जो आज की वर्तमान सरकार कर रही है।